हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट के लिए डिलीट कैसे करें। हाँ गाइस, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना इंस्टाग्राम जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कोने साइड देखेंगे नीचे के साथ में यहाँ पर प्रोफाइल का आइकन होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे तीन लाइन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अकाउंट सेंटर, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पर्सनल डिटेल, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डीएक्टिवेशन और डिलीटेन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितना आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम अकाउंट होगा और जो फेसबुक अकाउंट होगा यहाँ पे शो कर जाएगा। आपको उस इंस्टाग्राम अकाउंट को लेना है जिसको आप हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो, परमानेंट के लिए डिलीट करना चाहते हो। चलिए मैं यहाँ पे बीच वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये आपको क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये डीएक्टिवेट अकाउंट है, आपको परमानेंट के लिए डिलीट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट अकाउंट, डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कंटिन्यू का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक रीजन सेलेक्ट करना है कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट किस वजह से डिलीट करना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ पर क्रिएट ए सेकेंड अकाउंट क्लिक कर देता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस फिर से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहां पे ऊपर देखेंगे तो मेरा यूजर नेम शो कर रहा है। उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कंटिन्यू का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको यहां पे क्या करना है, आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का आपको यहां पे पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस फिर से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीटिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिलीट अकाउंट। उसके बाद आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है वो हमेशा के लिए परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा। अगर गाइस आप अपने अकाउंट को फिर से लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको 30 दिनों के अंदर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है, नहीं तो आपका जो अकाउंट है परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा। तो गाइस ऐसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करना और चाहे पहली बार आए चाहे को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर दोस्तों का कोई सुझाव हो तो आप एक कमेंट करके जरूर बताना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।